हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। जिस तरह से इस बार फिर से कोरोना की वजह से आपके PA3 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर हो रहे हैं, तो मैंने फेयर प्ले की डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पे दे रखी थी। इसके MCQ की वीडियो रह गई थी जो मैं आज देने जा रही हूँ। तो सारे बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखें, पूरा देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, जिससे कि आपके दोनों पेपर सॉल्व हो जाएं। आप फर्स्ट क्वेश्चन इज जुम्मन एंड अलगूवर। जुम्मन अलगू क्या थे बताइए? कजिन्स, गुड फ्रेंड्स, एनिमी या ब्रदर्स? जल्दी से बताइए क्या थे। आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ रखा है, आपको पता भी है क्या थे। यस, इट्स आंसर इज गुड फ्रेंड। जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द ब्लेजर हैड देम। जो ब्लेजर्स थे वो उन दोनों के लिए क्या करते थे, उनको क्या बताते थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग, गलत के लिए रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित, एंड इम्प्रेस देम, उन दोनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, इन हाई स्टीम, उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे, या कैप्टेड, या फिर उन्हें चोर डाकू मानते थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। यस, एट इस आंसर इज यस ऑप्शन सी, इन हाई स्टीम। नाउ क्वेश्चन नंबर, द एटीट्यूड ऑफ जुम्मन टुवार्ड्स द आंट, यानी जो जुम्मन का व्यवहार था अपनी चाची के प्रति वो कैसा था? बिकम अनडिजायरेबल, बिकेम अनडिजायरेबल यानी अनिच्छापूर्ण, वॉज गुड अच्छा था, हर्ट हिम उनको हर्ट करता था, वॉज लिविंग या प्यारा था। तो सोचिए एक मिनट और आप इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। आंसर इज यस, बिकम अनडिजायरेबल यानी असहनीय था, क्योंकि आपको पता है चाची ने जुम्मन को पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी। कुछ दिनों तक तो उनके यहाँ सब सही रहा, लेकिन बाद में उनकी पत्नी आंटी से उकता गई थी और इसीलिए उनको परेशान करने लगी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द वर्ड लुक्ड आफ्टर मीन्स, यानी जो लुक्ड आफ्टर वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है? वॉच्ड हर, देखना, लुक्ड आफ्टर उसकी ओर देखना, टुक केयर ऑफ देखभाल करना, डिड नॉट बोदर यानी सहन ना करना। बताइए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये आपके PA3 में बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं तो इनके जैसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, टुक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, द आंट डिसाइडेड, आंट ने क्या निश्चय किया? टू सेपरेट अलग होना, टू अपील टू द पंचायत पंचायत में अपील करना, टू कुक हरसेल्फ खुद खाना बनाना, या टू लीव द ब्लेज या फिर ब्लेज को छोड़ देना। बताइए सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, मैं चेक कर रही हूँ सबके आंसर। सबसे पहले आंसर जिसका आएगा उसका नाम मैं कमेंट सेक्शन में भी लिखूँगी। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, टू अपील द पंचायत, यानी जब लड़ाई झगड़ा हो गया था जुम्मन की आंटी और उसकी बीवी के पत्नी के बीच में, जब लड़ाई होने लगी थी तो जुम्मन की आंटी ने पंचायत में अपील करने का फैसला किया। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, जुम्मन बिलीव डेट अलगू, जुम्मन विश्वास करता था कि अलगू क्या करेगा, क्या विश्वास करता था? वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ नहीं जाएगा, इज हिज एनिमी उसका दुश्मन है, वॉज हिज फ्रेंड उसका दोस्त है, विल लिव हिम यानी उसे छोड़ देगा। ये तब की बात हो रही है जब गांव में पंचायत लग गई थी,
बताइए आप, हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। पॉजलिमिन उसे छोड़ेगा नहीं, उसका दुश्मन नहीं है। अब हमें दो पे चॉइस देनी है, तो क्या बेस्ट आंसर होगा इसका? आंसर इज यस, ऑप्शन ए, वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अलगू नॉमिनेशन एज हेड पंच मेड जुम्मन, यानी अलगू के हेड पंच बनने से जुम्मन कैसा हुआ, क्या लगा उसे? सैड, दुखी हो गया, हैप्पी, खुश हो गया, जेलस, ईर्ष्या वजह से भर गया, नेस्टी, यानी उसे बहुत बुरा लगा। बताइए, आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन डी, नहीं, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैप्पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द स्टेटमेंट गॉड्स लिप्स, यानी इस स्टेटमेंट को पूरा करो कि इसके बाद क्या आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इन हेवेंस, स्वर्ग में, इन द हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के दिल में, द हार्ट ऑफ पंच, पंच के दिल में, या क्लीन प्लेस, यानी स्वच्छ स्थान में। इसका मतलब है कि भगवान कहाँ रहते हैं, ये आपको बताना है। मैं आपको चारों ऑप्शन दे चुकी हूँ और आपको इसका आंसर इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है। भाई हेवन में तो रहते रहते हैं, ठीक है, सभी मनुष्य के हृदय में भी रहते हैं, और मंदिर में सफाई रहती है तो क्लीन प्लेस में भी रहना है, लेकिन हमें इसका बेस्ट आंसर देना है, और जो कि है ऑप्शन सी, इन द हार्ट ऑफ द पंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द आंट एक्सपेक्टेड द ब्लेस पंचायत, यानी आंट ब्लेस पंचायत से क्या एक्सेप्ट कर रही थी, क्या आशा कर रही थी? टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, गेट बैक हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी वापस हो जाए, टू डू जस्टिस, न्याय करना, या फिर टू पनिश जुम्मन, या फिर जुम्मन को पनिश करना। बताइए आप इसका आंसर। यस भाई, हमको बेस्ट आंसर देना है और बेस्ट आंसर चूज़ करना है, और जो कि है ऑप्शन सी, टू डू जस्टिस, यानी न्याय देना। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ओल्ड आंट हैड ग्रेट फेथ इन, यानी जो बूढ़ी औरत थी उसको किस में बहुत ज़्यादा विश्वास था, जुम्मन में, अलगू में, पंच में, या हर्ष, या खुद में? बताइए, जुम्मन में था, अलगू में था, पंच में था, या खुद में था? तो ऐसे ही हम एक एक करके अलग करेंगे, यहाँ अपनी तो कोई बात ही नहीं हो रही, जुम्मन से उसकी लड़ाई थी, बात रही अलगू या पंच, ठीक है, तो अलगू था, लेकिन उसे विश्वास किस में था? पंच में। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, पंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एवरीबडी न्यू डेट जस्टिस वॉज ऑन द साइड ऑफ, यानी प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि जस्टिस किसकी तरफ होगा, जुम्मन की तरफ, साहू की तरफ, जुम्मन की आंट की तरफ, या अलगू की तरफ? तो बताइए इसका सही आंसर। इट्स राइट आंसर इज यस, जुम्मन, साहू, जुम्मन आंट, अलगू, या फिर बताइए, आंसर इज अलगू, ठीक है ना? सभी लोग जानते थे कि अलगू चौधरी की तरफ से निर्णय सही होगा, यानी न्याय होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जुम्मन केम टू अलगू सून आफ्टर, जुम्मन अलगू के पास फिर से आया, कब आया? बताइए आप, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी बता देंगे। ऑप्शन, हिज वुल्क वाज डेड, उसका बैल मर गया था, ही वॉज नॉमिनेटेड एज ए पंच, वह पंच के रूप में चुना गया, द पंचायत वॉज ओवर, यानी पंचायत ख़त्म हो गई थी, हिज आंट ब्रॉट अ केस अगेंस्ट हिम, उसकी आंट उसके खिलाफ एक केस लेके आई थी। आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, बताइए, बहुत कंफ्यूजिंग है, पर फिर भी आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर चूज करना है।
नेक्स्ट बेस्ट आंसर इज द पंचायत वॉज ओवर. जब पंचायत ख़त्म हो गई थी तो जुम्मन उसके पास मिलने आया. ये दूसरी पंचायत की बात हो रही है यहाँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. जुम्मन हैड बिकम अलगू एनिमी बिकॉज. जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया क्यों बताना है आपको. ऑप्शन देखिए. अलगू हैड चीटेड हिम. अलगू ने उसे धोखा दिया था. अलगू हैड गिवन ए वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम. अलगू ने उसके खिलाफ एक केस डाल दिया था. हिज आंट हैड गोन टू अलगू हाउस. उसकी जो चाची थी वो अलगू के घर चली गई थी. या फिर अलगू वॉज ए बैड मैन. अलगू एक बुरा व्यक्ति था. बताइए बताइए आपको सही आंसर पता होगा. एंड इट्स राइट आंसर इज यस ऑप्शन बी. अलगू हैड गिवन ए वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम. यानी अलगू ने उसके खिलाफ एक निर्णय दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. जम्मू रियलाइज्ड व्हाट इट वाज टू बी अ पंच मैन. जम्मू ने महसूस किया कि पंच होना क्या होता है. कब महसूस किया बताइए. ही बिकेम पंच हिमसेल्फ. जब वो खुद से एक पंच बन गया. अलगू बिकम ए पंच. अलगू एक पंच बना. ही गॉट वर्डिक्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ. यानी उसने अपने खिलाफ एक निर्णय सुनाया. या फिर अलगू ब्लक वॉज डाइट. या फिर अलगू का बैल मर गया था. जुम्मन ने यहाँ आपको जुम्मन ने बताना है कि उसने कब महसूस किया कि पंच क्या होते हैं. यस इट्स आंसर इज द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ही बिकेम ए पंच हिमसेल्फ. जब वह खुद एक पंच बन गया. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और जो भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो वो एक बार आप दोबारा से देख लें जिससे आपके PA1 अच्छे से हो जाए. और ये चैप्टर आपके Term 2 में भी है. इसे अच्छे से पढ़ लें. इसके क्वेश्चन आंसर डिफ़िकल्ट वर्ड अच्छे से कर लें. क्योंकि जो आपके पेपर हैं वो दोनों तरह से होंगे. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोडों में. और जहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर आएंगे. इसलिए आपको ये वीडियो और डिटेल वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है. तो मिलते हैं हम एक गेम ऑफ चांस की नई वीडियो के साथ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.